अम्मा अम्मा खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लग रही है, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। जहां गए थे उन्होंने नहीं खिलाया खाना? नहीं नहीं, वो तो मुझसे बहुत कह रहे थे कि खाना खा के जाना। मैंने कहा नहीं, मैं खाना सिर्फ अपनी अम्मा के हाथ का खाता हूँ, इसलिए आ गया। वो माँ जो सारा सारा दिन दीवारों से अकेले बातें करती है, जिसके लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, वो जिए या मरे तुम्हारी बला से, तुम्हें तो बस जमाने वालों के काम करके नाम चाहिए अपना। ऐसा क्यों बोल रही हो अम्मा? क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करता? इसे ख्याल करना कहते हैं? मुझे क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, कभी सोचा तुमने? घर के ढेरों काम है वो किस तरह होते हैं, कभी पूछा तुमने? ड्यूटी और कौन करता है घर के सारे काम, बिजली का बिल, गैस का बिल, घर के अंदर के काम, बाहर के काम, झाड़ू पोछा सब मैं ही तो करता हूँ, लेकिन तुम खुश नहीं होती मुझसे, मैंने देखा है। जब सारे मोहल्ले वाले मुझे ये बताते हैं कि मेरा ही बेटा किसी और के घर में सुबह से रात तक नौकरों की तरह खिदमतें करता है, तो मुझे खुशी होगी। नौकरों की तरह नहीं, बेटों की तरह। अम्मा मास्टर साहब के बहुत एहसानात हैं, मैं नहीं भूल सकता। जब कोई भी नहीं था तो बस मास्टर साहब ही थे जिन्होंने हमारा साथ दिया था। उनका कोई बेटा नहीं है, उनकी बेटी की शादी सर पे, अगर मैं उनका काम कर देता हूँ, अगर मैं उनका हाथ बटा देता हूँ तो बुराई क्या, इसमें करने देना अम्मा। तो बेटी वालों को अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए ना, हमारी भला से। अम्मा हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अगर मैं उनका थोड़ा हाथ बटा देता हूँ तो मसला क्या है, हमारे पड़ोसी है ना, वो पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं। तो और भी तो मोहल्ले वाले हैं, उनके भी कुछ फराइज हैं या नहीं, या सब फराइज तुमने अपने सर पे ले लिए? वो मुझे अपने बेटों की तरह समझते हैं, सारे मोहल्ले को नहीं समझते। बस तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनूंगी मैं, बस इतना कहूंगी कि वहां जाना छोड़ दो। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगा। उनकी बेटी की शादी हो जाए उसके बाद नहीं जाऊंगा। यानी सुधरोगे नहीं ना तुम? अब एकदम तो नहीं सुधर सकता ना मैं, थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं कोई ऐसा काम थोड़ी कर रहा हूं जिससे तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। जमाने की बातें कभी सुनी है तुमने? मैं बर्दाश्त करती हूं। लोगों का काम सिर्फ बातें करना ही है, खुद तो कोई अच्छा काम कर नहीं रहा है, अगर कोई कर रहा है तो उसको भी ना करने दो। अच्छा बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, खाना खाओ और मेरे साथ बाजार चलो। वैसे गांव खाना लगाएंगे तो गांव खाना है यार, खाना लगाना दे, बस दे।